टू अवर चैनल रूपाली वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आइए दाल चावल खाइए। अच्छा करते हैं, सब अपने अपने घरों में सेफ सुरक्षित होंगे, चाय पीजिए। मेरा नेल पेंट कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? मैं बेटी ने लगाया, अच्छा है। इन्होंने खुद लगाया है, कहना पड़ता है ऐसे। और बताइए कैसे हैं आप लोग? ये देखिए दोस्तों, यूनिटी, ये दोस्ती। हम कुछ बात कर रहे थे। अच्छा, सो फ्रेंड्स चाय ले लीजिए, दाल चावल खा लीजिए, कद्दू की सब्जी बनी है। मैं कद्दू की सब्जी बोलती हूँ, आपके यहाँ किस क्या बोला जा रहा है? बोला जाता है एक्चुअली, हम लोग सो गए थे आज होता है ऑफ और आज हम सो गए थे ऐसे मुंह फाड़ के, दिन में होश नहीं था। तो आज ब्लॉगिंग अभी से स्टार्ट हुई है, तो सारा काम हम समझ गया है, हो गया है, हम उठ गए हैं। उठते ही इसने चाय बनाई है, मुझे ये सुख दिया है आज इसने। आज ये कॉलेज नहीं गई थी, कल से जाएगी, तो आज खुश तो बहुत हूँ, क्या करूँ। आदत पड़ जाती है ना फ्रेंड्स बच्चों के साथ रहने की, और ये 2 साल में कोविड ने ना ऐसी गंदी आदतें बना दी है ना पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ रहने की आदत पड़ गई है। अब बच्चे कहीं भी ज्यादा जाते हैं ना तो अजीब सा होता है, मुझे तो होता है यार। और मुझे घर से बाहर निकलते लगता है कि मुझे घर जाना है, क्या करूँ यार, मन नहीं लगता मेरा तो कहीं भी, ना शॉप पे ना घर पे इसके बिना। पर ठीक है, कोई बात नहीं, करना तो पड़ता ही है, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है फ्रेंड्स। सो अभी क्या करूँगी वो आपको दिखाऊंगी। ये बोल रही है मम्मी कुछ अच्छा सा बनाओ, पकौड़े वकौड़े टाइप कुछ, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। सो छोटा सा व्लॉग आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए आप लोग प्यार नहीं दे रहे हैं दोस्तों, प्यार दो, प्यार दो दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो दोस्तों, ऐसे मत करो। मैं पूरा एफर्ट डाल रही हूँ अपना, देखो ऐसे मत करो, विच इज नॉट गुड। आप लोग प्यार दो, देखो प्लीज, समझ रहे हो बात को मेरी? प्लीज दोस्तों, हाँ ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, व्यूज दो अच्छे से अच्छे दोस्तों, जैसे नगर कमेंट करो, वाह वाह दोस्तों वाह। जैसे नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में वोट देने जाओगे तो एक काम करो, वोट देने की बजाय मुझे दो, मुझे 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 एक गुट बना के सब्सक्राइब करो। वाह, इसी बात पे वाह 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 दोस्तों, कुछ करो करो दोस्तों, मैं चाह रही हूँ कुछ करो आप लोग, प्यार सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो दोस्तों, करते क्यों दोस्तों नहीं हो? मेरी माँ पागल हो गई है, प्लीज आप कर दो, कर लो ना। सो बने रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपका मन है करिए, नहीं मन है मत करिए। देखिए मैं तो प्यार से भी बोल सकती हूँ और ऐसे भी बोलूंगी, अब आपकी इच्छा है, कर लो दोस्तों, कर लो। अच्छा है, लो चाय पियो मेरे प्यारे दोस्तों, चाय पियो, चाय चाय पियो, अरे तुम पियो चाय, ठीक है मैं पी लेती दोस्तों। तो फिर बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अभी आपसे ब्रेक के बाद। क्या कह रही हो? मिक्सी ग्राइंडर खराब हो गया था, सो मिक्सी ग्राइंडर मंगवाया गया है नया फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप जरा, इस कुत्ते ने खून पी रखा है सबका, तो हमने मिक्सी ग्राइंडर मंगवाया है दोस्तों। छोटी छोटी चीजें शेयर करनी चाहिए तो हम भी कर रहे हैं आप लोगों से, छोटी छोटी हमारे मिक्सी ग्राइंडर खराब हो गया था, ब्लेंडर से काम करते थे हम लोग, तो आज सोचा बना मंगा लिया जाए, क्योंकि चटनी वटनी पीसनी रहती है तो उसके लिए मिक्सी ग्राइंडर को बहुत सख्त जरूरत है दोस्तों। आप लोग भी मंगवाएं, अच्छी कंपनी का है, लोगों के घर में होगा, नहीं है तो मंगवाएं जरूर दोस्तों, मंगवाएं। और ये भग के गई है नीचे, और वो क्यों गई है वो मैं आपको बताती हूँ, क्यों गई है, क्यों गई है आप बताएं जरा, क्यों गई है दोस्तों? हमारे पिताजी आ गए हैं दोस्तों, पापा आ गए हैं। ये जूता मेरा काट रही थी, ये मेरा शूज काट रही थी, हाँ ये बहुत पटेगा, जूता रे है जूता, जूता रे, पापा आ गए हैं। हेलो टू फ्रेंड्स, हेलो, दोस्तों पापा घर का काम बहुत करते हैं, कुछ कहना चाहोगे? नहीं बस अभी किचन में,
पॉटी कर चुकी है वो। ये खुशी है पापा के आने की। ये पापा के आने की खुशी है भाई। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो पापा अली अली बाबा चची अली बाबा अली बाबा अली बाबा अली बाबा वो दिखा रही है। देखो अपनी खुशी आई है, खुशी दिखा रही है। हाँ बेटा, हाँ हाँ मेरा चंदा, हाँ मेरा चंदा क्या है, क्या चाहिए? अच्छा ये नई चीज आई है इसलिए। अरे भैया का हो गया, अरे बाबू का बात है। हाँ हाँ इसमें खाना बनेगा, हटो हटो हटो, बस 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 इतना नहीं खुशी दिखाते कि नई चीज आई है तो इतनी खुशी हो रही है। शीरो को बहुत खुशी है नई चीज आने की। देखो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ हरे धनिया की चटनी। पहले आप जैसा कि टमाटर डाल दें ऐसे काट के, और ये डालें आपने टमाटर, ये हैं चार टमाटर, चार से पांच जितना साइज के टमाटर आप लेना चाहते हैं, जिस हिसाब से आपको खट्टा पसंद है आप डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं अभी तैयारी जो चल रही है वो पकौड़ों की चल रही है, तो उसके साथ चटनी मस्ट है। सो देखिए ये हो गया, इसके साथ हम डालेंगे मिर्ची। देखिए नजर है तिरछी, कुछ ऐसी सा गाना था वो, मिर्ची मिर्ची करके कुछ था। आप मुझे बता ना, पता नहीं बेटा मेरे को। इन सब मिर्चों को, ये मैंने लाल वाली ली है, आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ ज्यादा तीखा नहीं बना रही है चटनी में, तो बेटा तीखा चलता है ना, इतना तीखा। सो फ्रेंड्स ये डाल रही हूँ मैं लहसुन, देखिए 15-20 लहसुन की कलियां हैं। 15-20 नहीं है, ये 3 है। और दोस्तों अब जाएगा इसके अंदर अदरक, अदरक ठीक है फ्रेंड्स। और अब जाएगा इसके अंदर जीरा, जीरा साबुत जीरा, ये मेरी फेवरेट चम्मच है ना, आई डोंट नो या। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें और क्या जाना था बाकी बाद में डालेंगे दोस्तों, फिलहाल तो ये जाएगा। पहले मैं इसको ग्राइंड करूंगी, उसके बाद हरा धनिया मिक्सी में पीसूंगी। मम्मी का हो गया। हाँ हाँ दोस्तों डालेंगे धनिया। अरे शीरू पीछे से हट जा भाई। बहुत तेज है क्योंकि आपने मिर्ची बहुत तेज डाली है, यानी मिर्ची बहुत तेज डाली है दोस्तों। आप डालिए थोड़ा सा अमचूर, अब गर्मी आएंगी तो फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे क्या, कच्चा आम, कच्चा बादाम। देखो आम, देखो कच्चा आम नहीं कच्चा बादाम, पापा कच्चा बादाम। मम्मी अब क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, अब बनेंगे पकौड़े। पकौड़े ये आलू, थोड़ा सा गोभी, ठीक है, प्याज और साबुत हरी मिर्च के। सो हम डालेंगे फ्रेंड्स इसमें बेसन, ठीक है। तुझे पकौड़े खाने रसोड़े में कौन था? तो
आप मुझे बताना रसोड़े में कौन था, मैं थी तू थी, कौन था कौन था? शीरो रसोड़े में कौन था? शीरो रसोड़े में कौन था? तू पहले मुझे बता रसोड़े में कौन था शीरो, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था शीरो, कौन था रसोड़े में? दोस्तों तो आप मुझे बताना रसोड़े में कौन था? आज का ये सवाल है दोस्तों, आप लोग मुझे बताओगे रसोड़े में कौन था, और जिसने सही आंसर दिया उसको मिलेगा कुछ नहीं। चलो दोस्तों चलते हैं। एक बात सुनो, पीछे मुंह करो। कल कोकिला बहन की साड़ी पे जूस गिरा था, तुम चने कुकर में चढ़ा के मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तू थी, मैं ही थी, तू थी, मैं थी, कौन था, कौन था, कौन था रसोड़े में कौन था? थोड़ा सा हल्दी, ज्यादा नहीं, और धनिया की पत्ती कटी हुई, ठीक है, और आपको क्या क्या बताए? और ज़्यादा नमक, नमक नहीं मिली तो, नमक थोड़ा सा भी मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा डालें, ज़्यादा नहीं। और दोस्तों इसको देखो ये कहाँ खड़ी है, इसे क्या चाहिए मम्मी? हाँ ऐसा क्या है जो इसको चाहिए? ये नई मिक्सी देख के पागल हो चुकी है। ये लीजिए थोड़ी सी अजवाइन, दैट्स इट, थोड़ी सी कैच की हींग दोस्तों, थोड़ी सी डाली है। मैं हम क्यों बता रहे हैं हींग कैच की है? हमने क्यों बताया है कैच की हींग है? क्योंकि हम यूज करते हैं कैच में, हमें प्रमोशन के पैसे दिए हैं। नहीं बेटा, तो फिर हम बता रहे, हम क्यों बता रहे हैं दोस्तों? ये कैच की हींग है ही नहीं, और दोस्तों आप सुनना भी मत कि ये कैच की हींग है, ठीक है दोस्तों? मत सुनना कि कैच की हींग है। इसका मिका सिंह, मिका सिंह करेंगे दोस्तों, मिका सिंह इसको मिला ले ऐसे ऐसे ऐसे। अरे इसको क्या, अरे क्या हो गया इसको, क्या हो गया? अब दोस्तों मिका सिंह करें, आओ चलो दोस्तों, इधर चल रही है मिका सिंह। क्या चल रही है? मैं मिका सिंह चल रही है। पानी डालना है इसमें। अरे बाबा मेरा कौन सफाई भी हमें करनी है, क्या हो गया? क्या हुआ? आए जीजी, क्या हो गया? जीजी को कपड़ा चाहिए। जीजी क्या हुआ? जिससे आपके पकौड़े स्वादिष्ट बनेंगे, स्वादिष्ट और कुरकुरे, कुरकुरे मोमोज जैसे। देखिए फ्रेंड्स, जरा सा लेना है आपने खाने वाला सोडा, वो इसमें डाल लेना है। सर के वापस जगह पे रख दो दोस्तों, बस दोस्तों, और इसको अगेन मिक्सिंग, मिक्स कर लो दोस्तों, मिक्स कर लो, और इसमें डाल ले दोस्तों। अरे जीजी, हाँ जीजी, कहाँ डाला? हाँ जीजी, ये इससे ना बहुत बढ़िया बनता है पकौड़ा, जान लो। छोटी जीजी पकौड़े का कमाल ही, जीजी पकौड़ा का कमाल ना इसी से आता है, जितना आप फेटेंगे इसको बेसन को, पकौड़ा उतना बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बनेगा। आओ जीजी पागल लड़की, तुम भी इससे चिपड़ के पड़ी पागल। जीजी ए जीजी, लेक से बता दो क्या खड़ी हो? बेसन हमारा सेट हो चुका है, इसमें हमने बस हल्का सा करारा बनाने के लिए और
सूजी का प्रयोग करना है। ये करीब 2 चम्मच सूजी है, अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। हाँ जी जी, हम इसमें भरेंगे, ये है मिर्च, साबुत मिर्च है। इसमें हम भरेंगे, ये मैंने पैटर जो बनाया है, नमक और उसका है क्या बोलते हैं अमचूर का। पहले लड्डू गोपाल की स्थापना है, तो सबसे पहले बिना प्याज व छुए, क्योंकि अभी इसके अंदर एक चीज और पड़ेगी, अदरक और लहसुन जो हमारे पकौड़ों को और टेस्टी बनाएगा। बट पहले हमें लड्डू गोपाल जी के लिए निकालना है, इसलिए हम सबसे पहला लड्डू गोपाल जी के लिए निकालेंगे। इधर हमारा ऑयल हो चुका है, वाह जिंदगी वाह, वारे जिंदगी। ये देखिए दोस्तों अब जा रहा है। अरे भैया रे, इस लड़की मेरा खून पी लिया है। एक पकौड़ा लड्डू गोपाल जी के लिए, आपको लिट्टी चौके की रेसिपी बताऊंगी बहुत जल्द। जब से लिट्टी चौके का नाम सुनते ही हम सारे नाचने लग जाते हैं। मैंने एक ही बार खाया ना। हाँ, अच्छा पक्का है। देखिएगा आप ही बनाइएगा अपने घरों में। पहले पकौड़े को दोस्तों सिम पे रख दें और इसके साथ मिर्च के हम एंड में तलेंगे। तो दोस्तों पकौड़े हो गए हैं, ये है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ज्यादा नहीं, ये देखिए अदरक और लहसुन हमने मिलाना है इस बर्तन में, ठीक है। हाँ बेटा, आपको पता है मैं नहीं खाती क्यों बनाया क्या अदरक नहीं खाती। दोस्तों मेरा मन करता ना, जब ये कहती मैं नहीं खाती, आप लोग समझ सकते हैं हर चीज मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती। चाटा खा ले मेरे हाथ का। दोस्तों मुझको ये चीज पसंद नहीं है, एक इंसान नहीं खाता तो इंसान क्या करेगा। सो आइए फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये गया हमारा आलू, मैं मिक्स बना के आपको दिखा दे रही हूँ, फिर हम चाय और चटनी के साथ। सो फ्रेंड्स ये है प्याज की भजिया। प्याज के पकौड़ों में ना फ्रेंड्स ज्यादा बेसन नहीं मिलाना चाहिए, उनका टेस्ट खत्म हो जाता है, फिर बेसन ही बेसन आता है मुंह में। प्याज के जो भजिए होते हैं जो बेसिकली बाहर मिलते हैं, बाकी तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, मैं तो कोशिश करती रहती हूँ और आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। इस तरह से बनते हैं प्याज की भुजिया, ये देखिए। ये देख सकते हो, ये हमारी गुरुजी के लिए निकल रही है प्लेट, और बाकी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बन गए हैं हमारे पकौड़े, मिक्स पकौड़े, प्याज का, हरी मिर्च का साबुत, गोभी का, आलू का, और ये है हरे धनिए की चटनी, ये लहसुन की चटनी, और ये है हमारी सॉस। सो ये सब है आपके लिए, प्लीज खाएं और बताएं कैसा बने। ये मेरे फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स और दोस्तों के लिए और जुजी के लिए। ए जुजी, लो जुजी खाओ, पकौड़ा खाओ। कौन सा है? ये प्याज का है। पापा टेस्ट करके बताओ। चलिए, सो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का ये छोटा सा व्लॉग हम एंड करते हैं। सो आप
सो आपने क्या करना है, अपने घर में ये सारे पकौड़े बनाने हैं, खाने हैं और इंजॉय करने। पकौड़ा खाने का कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि बरसात आ रही है तो पकौड़े का जब मन करे तब खाओ दोस्तों, मजे से खाओ। ये देखो चिट्टा हमारा, रेसिपी बने और चिट्टा ना हो ऐसा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। सो अब आपने क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर रूपाली चैनल वर्ल्ड। हाँ, रूपालीज वर्ल्ड। टू आर रूपालीज वर्ल्ड। तो प्लीज दोस्तों आप भी अपने फ्रेंड्स अपने घर में बनाइएगा पकौड़े, एंजॉय कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों कर दो। सो आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ आपसे। गुड नाइट, बाय, टेक केयर। और दोस्तों हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। मम्मी की आईडी है रूपाली श्रीवास्तव, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल रूपाली वर्ल्ड। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।